हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे आपके मंथली एक्सपेंसेस के हवाले से कि ऑन एवरेज मंथली आपका कितना खर्चा आता है। स्टार्टिंग विद द रेंट, आपका जो रूम रेंट है, अगर आप अपने यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट एंड वर्क की तरफ से जो आपको एकोमोडेशन अगर आपको मिल जाती है, इफ़ यू आर लकी इनफ, देन दैट इज़ यूजुअली द चीपेस्ट ऑप्शन। उनके जो रूम्स हैं वो सबसे चीपेस्ट होते हैं। उसके अलावा इट आल्सो डिपेंड्स सिटी टू सिटी। अगर आप किसी एक्सपेंसिव सिटी में रहते हैं, फॉर एग्जांपल म्यूनिख, स्टुटगार्ट, अगर आप ऐसी किसी सिटी में रहते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे रूम्स थोड़े से महंगे आपको मिलेंगे। बट ऑन एवरेज पूरे जर्मनी में इट वेरीज अराउंड 200 to 350 euros। इस अमाउंट के बीच में आपको आसानी से एकोमोडेशन आपको मिल सकती है। नेक्स्ट थिंग इज़ आपका हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पे एडमिशन के फौरन बाद इनरोलमेंट के साथ ही आपको हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए होती है। सो उसके भी आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, इधर यू चूज़ अ पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस और प्राइवेट वन। जो पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस है, जो कि मोस्टली यहाँ पे स्टूडेंट के पास है, जिसमें आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस का कार्ड मिलता है, एंड अगर आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है एंड इफ़ यू हैव टू गो टू द हॉस्पिटल, आप वहाँ पे जस्ट अपना कार्ड दिखाते हो एंड आपको कुछ पे करना नहीं होता। ऑन द अदर हैंड प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंसेस विच आर लाइक ऑलमोस्ट काफ़ी चीप होते हैं पब्लिक के नस्बत, लेकिन उसमें पहले आपको खुद से पे करना होता है एंड देन आपको आपकी जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो आपको रीइंबर्स करती है। सो ऑन एवरेज पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंसेस है वो अराउंड एवरी मंथ आपको अराउंड 105 euro आपको देने होते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस के अलावा एवरी मंथ आपको एक रेडियो सेटेलाइट बिल के नाम से एक बिल देना होता है, विच इज़ 17.5 euro, विच इज़ नॉट अ लॉट, लेकिन आपको एवरी मंथ ये भी देना होता है। या आपके रूम में जो सेटेलाइट सिग्नल्स वगैरह है उसका एक बिल होता है। द नेक्स्ट थिंग इज़ आपकी ग्रोसरीज। ऑन एवरेज ग्रोसरीज आपकी 50 euro to 100 euros मंथली आपका खर्चा आता है। तो ऑन एवरेज अगर हम बात करें तो मंथली आपका जो खर्चा होगा दैट वुड बी बिटवीन 450 euros to 550 euros। डिपेंड्स आप कितना खर्चा करते हो एक्स्ट्रा इसके अलावा, लाइक शॉपिंग एंड सब में, बट ऑन एवरेज आपका जो मंथली खर्चा होगा दैट वुड बी बिटवीन 450 euros to 550 euros। या द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि अगर ये हमारे लिविंग एक्सपेंसेस इतने हैं तो क्या हम पार्ट टाइम जॉब्स के थ्रू इतना कमा सकते हैं या नहीं। द आंसर इज़ यस, हम बिल्कुल कमा सकते हैं और बहुत आराम से कमा सकते हैं बीइंग ए स्टूडेंट। लेकिन उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है, जॉब्स कैसे मिलती हैं, आपको पे कितनी मिलती है, उसके लिए मैं एक आई थिंक आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो जिसमें मैं एक्सप्लेन करूँगी कि ऑन एवरेज अगर आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो बीइंग ए स्टूडेंट देन आप कितना कमा सकते हो उससे। दिस वीडियो इज़ जस्ट टू टेल यू कि ऑन एवरेज हम लोग का कितना खर्चा होता है। सो लिविंग एक्सपेंसेस हमारे हो गए अप टू 500 euros, राइट। इसके अलावा आपकी एवरी सेमेस्टर के शुरू में आपको एक ट्यूशन फ़ी देनी होती है, जो कि हम ऑलरेडी एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, विच इज़ यूजली 200 to 300 euros। वो आपके सेमेस्टर के स्टार्ट में होती है, दैट मीन्स इट्स फॉर 6 months, जिसमें आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी आ जाता है। सो जो आपका जो स्टूडेंट कार्ड होगा उसी कार्ड के थ्रू आप अपने पूरे स्टेट में फ्री ट्रैवल कर सकते हो। ये जो आप ट्यूशन फ़ी दे रहे हो शुरू में 200 to 300 euros, ये उसके लिए भी होता है।